कर देखिए स्टार्ट। ये सब कीट शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। फिर वो अंडे धीरे धीरे उनमें से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा अंग्रेजी के आठ के आकार में एक महीन लसदार पदार्थ को छोड़ते हुए आगे की ओर गति करते हुए आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे वो लसदार पदार्थ उसके चारों लपेट लेता है। वो सूखकर खोया या कोकून में बदल जाता है। इसके बाद ये खोया कोकून में रेशम की उसे काटते हुए बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। आपका नाम? स्कूल नेम? क्लास